Back. Today we will discuss about the teratogenesis. Teratogenesis is the occurrence of congenital malformation. Congenital malformation means the gross structural deformity present at birth. तो बच्चों में कई बार abnormal development होती है और abnormal बच्चे पैदा होते हैं तो normal से अलग structure बन जाते हैं that is called malformation. और ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काफ़ी चेंजेस आती हैं उसके अकॉर्डिंग जीन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है एनवायरनमेंट का तो ये हम सारा आज पढ़ेंगे. तो वर्ल्ड वाइड 2.5 जो है जो माल फॉर्मेशन की यह रेशो है. ओनली द हाफ ऑफ डिफॉर्मिटी आर अपरेंट एट टाइम ऑफ डिलीवरी मोस्ट ऑफ आर रिमाइंडर इन द पोस्ट नेटल ईयर. तो एक साल में कई अपियर होती हैं और कई जन्म से शो नहीं होती. So congenital anomaly is reserved for a minor congenital disorder such as deformed finger or earlobe. कई बार fingers अलग होते ठीक नहीं बनती कम या छोटी या जुड़ी होती है earlobe. This is a normal malformation. So anomaly are found in the 2.5 of the live born infant. So individual of species exhibiting the minor deviations from a normal considered to be नॉर्मल थोड़ी सी वेरिएशन आती है अपने पेरेंट्स से तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं. बट इफ़ देयर इज़ अ ग्रॉस डेविएशन ज़्यादा हो तो डेट इज़ अ कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन और इसको मॉन्स्टर और टेरेटा बोलते हैं जो इंडिविजुअल बनता है. तो इसके बनने को टेराटोजेनेसिस बोलते हैं और इसकी स्टडी को टेराटोलॉजी बोलते हैं. सो देयर आर मैनी टाइप्स इन द फर्स्ट वी हैड अ जेनेटिक टेराटोजेनेसिस. वट इज़ द बेसिस ऑफ जीन्स ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स में. तो अब नॉर्मल जीन जो हैं इनहेरिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स. आपको पता ही है हाफ कंट्रीब्यूशन फादर एंड हाफ कंट्रीब्यूशन मदर का होता है. तो जीन जो हैं दोनों आते हैं बट जो लीथल जीन होते हैं और डिफॉर्मिटी वाले जीन दे आर रिसेसिव. अगर दोनों अपीयर हो जाते हैं तो उसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो उनमें जो मेंडेलियन पैटर्न है इट इज़ नॉट सो इनहेरिटेड. अब नॉर्मल पैटर्न इज़ इनहेरिटेड. सो यहाँ जो नॉर्मेलिटी मेयर मोर फ्रिक्वेंट इन द रिलेटिव देन इन द जनरल पॉपुलेशन. रिलेटिव में डिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है जनरल पॉपुलेशन के कंपैरेटिव. जैसे बर्मिंगम ने यहाँ डाटा दिया है जो कुछ माल फॉर्मेशन के टाइप्स हैं क्लब फुट कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज स्पीना बाइफिडिया सिस्टिया हाइड्रोसिफेलस इनसेफली क्लेफ्ट और लिप और क्लेफ्ट पैलेट डाउन सिंड्रोम. तो दीज आर द माल फॉर्मेशन. तो इसकी यहाँ रेशो भी है. So deformity due to the abnormal dominant gene are rare. In the most of these, the skeleton is affected. कई बार जो bones हैं वो affect होती हैं तो इसको हम कहते हैं achondroplasia. Achondroplasia is the insufficient growth of long bone. जो लंबी हड्डियाँ वो नहीं बनती. Archondroctyly, abnormal long hand and feet. Corneocardial dyscytosis. रूडिमेंट्री क्लेविकल और द शेप ऑफ स्कल. ऑस्टियोजेनेसिस इनपरफेक्टा. ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा मीन कम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ और हाइपोप्लेसिया ऑस्टियो टिश्यू कोलाजन वगैरह. तो बोन्स बनते नहीं है फ्रेगाइल स्ट्रक्चर बनते हैं. अब नॉर्मल रिसेसिव जीन डू नॉट फाइंड फिनोटिपिक एक्सप्रेशन अनलेस इनहेरिटेड बोथ पेरेंट्स. दोनों पेरेंट्स से अगर नहीं आते तो उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा इसलिए आना दोनों से जरूरी है. सिस्टिक फाइब्रोसिस एग्जाम्पल है एक. पेनक्रियास एंड द स्प्रिंजल्स डिफॉर्मिटी ऑफ शोल्डर. सो एलिवेशन ऑफ स्केपुला और द स्केपुला एलिवेटा. तो ये आर सम डिफॉर्मिटीज एग्जाम्पल. तो जेनेटिक फैक्टर आर इन्वॉल्व दे आर कोऑपरेटिव इन द रिमोट कॉज डेट इज इनिशिएटिंग एंड. काफ़ी इनिशिएशन करवा देते हैं ऑफ मालफॉर्मेशन. ईच जीन लॉकस इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम और पॉलीपेप्टाइड. तो पता ही आपको जीन्स जो होते हैं डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं मैसेंजर आरएनए बनता है उससे प्रोटीन बनते हैं और काफ़ी अपने फंक्शन कंट्रोल करते हैं. अब नॉर्मल टाइप ऑफ प्रोटीन बनेगी अब नॉर्मल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड बनेगा मोनो टाइप ऑफ एंजाइम बनेगा और तो एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी. जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एनिमल्स अदर एनिमल्स में फर्स्ट इज अ जीन फीन रिलेशन. जीन इन द जीन फीन इन द फिजिकल एक्सप्रेशन. तो दोनों का रिलेशन होता है पर ये नहीं है सेम रूट फॉलो करे. सो देर आर मोर देन 20 जीन्स
आई कलर ड्रोसोफिला का कंट्रोल करते हैं। म्यूटेंट कॉजिंग द सेम डिफेक्ट में आइदर बी रिसेसिव और डोमिनेंट। सो 20 जीन में से कोई डोमिनेंट रिसेसिव बनना जो बाई चांस है, तो इसमें इतना जीन फीन रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट इज द फाउल की एग्जाम्पल है ट्रेट ऑफ रम्पलेसनेस, टेल नहीं बनने का जीन जो है, इसको आइदर रिसेसिव और डोमिनेंट जीन कंट्रोल करते हैं। इन सम केसेस द म्यूटेशन मे बिहेव रिसेसिव और डोमिनेंट डिपेंडिंग ऑन द जेनेटिक बैकग्राउंड। सो ये भी यहाँ है। माइस में फ्यूज जीन है फॉर फ्यूजन और एब्सेंस ऑफ रिब, डोमिनेंट इन मस्क मस्कुलस मस्कुलस बट रिसेसिव इन मस्क मस्कुलस बटेनिकस। तो जीन फीन रिलेशन इतना मेंडेलियन टाइप नहीं होता, इट इज़ डिस्टॉर्टर टाइप। नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स सच एज द पेनीट्रेंस। पेनीट्रेंस इज द प्रोपोर्शन ऑफ अफेक्टेड इनविजुअल, कितनी डिफॉर्मिटी कितने खराब जीन पॉपुलेशन में है, डेट इज द पेनीट्रेशन। एक्सप्रेसिविटी डिग्री ऑफ इफेक्ट, कितने लेवल तक उसने अफेक्ट किया है इंडिविजुअल को। सो म्यूटेटेड जीन डिपेंड ऑन द बोथ एनवायरमेंट एंड जेनेटिक, दोनों पर ही डिपेंड करता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया फॉल कैरिंग द रम्पलेसनेस जीन सेलेक्टिवली ब्रीड टू प्रोड्यूस द नॉर्मल ट्रेल फिनोटाइप। ड्रोसोफिला में यहाँ बार आई का जीन है, साइज ऑफ आई एंड नंबर ऑफ फेसेट इन द आई डिक्रीज अबाउट 100 फेसेट, 15 से 31 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के हिसाब से फेसेट का नंबर कम हो जाता है। सो यहाँ जीन को इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट इज़ द ऑटोफीन एलोफीन एंड पलियोट्रॉपी। ऑटोफीन होता है जिस काम का जीन होता है, जिसके लिए जीन का फंक्शन है, डेट इज़ द ऑटोफीनिक इफेक्ट। जैसे लिम डिवेलपमेंट कराता है सी पी जीन, क्रीपर म्यूटेशन होती है। एलोफीन इनडायरेक्ट कर रहा है, आई डिवेलपमेंट कंट्रोल कर रहा है, डेट इज़ एलोफीन। पेलीट्रॉपी मल्टीपल इफेक्ट कर रहा है, डेट इज़ सॉरी पेलियोट्रॉपी। सो क्रीपर जीन फॉल में इफेक्ट द लिम्ब, जो अगर नहीं होंगे तो लिम्ब डिवेल्प नहीं होगा फोकोमेलिया, आई डिवेल्प नहीं होगी माइक्रो अपथेलमिया। सो एम्ब्रियो यहाँ सर्वाइव नहीं करते। तो इसका अगर ट्रांसप्लांट कराएंगे रिम्ब ड्यूडिमेंट का नॉर्मल प्रोड्यूस आ फोकोमेलिया लिम्ब। सो यहाँ इसका इफेक्ट दिया है। तो यहाँ तीन तरह के इफेक्ट आते हैं, ऑटोफीन एलोफीन एंड पेलियोट्रॉपी। सो नेक्स्ट इज़ द एनवायरमेंट टेराटोजेनेसिस। जीन से अलावा एनवायरमेंट भी इफेक्ट करते हैं, तो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर आते हैं सच एज वायरस, ड्रग्स कोई, और एवाइटिक फैक्टर टेम्परेचर एंड रेडिएशन। तो इसको हम अभी डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे। सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द एक्सप्रेशन ऑफ द लीथल जीन, दैट द पेलियोट्रॉपिक इफेक्ट, ग्रे लीथल म्यूटेशन जीन इन द रैट। यहाँ पेडिग्री चार्ट दिया है, तो डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगी डिफेक्टिव जीन से, उससे होगी हाइपरट्रॉफी ऑफ द कॉन्ड्रोसाइट एंड अबनॉर्मल कार्टिलेज, नैरो ल्यूमन और ट्रैकिया, ट्रैकिया का ल्यूमन कम हो जाएगा, रिब की थिकनेस बढ़ जाएगी, स्लाइट चेंज इन नोज लेरिंग्स एंड कार्टिलेज। अब रिब की थिकनेस बढ़ रही है तो फिक्सेशन ऑफ थोरैक्स एंड इंस्पिरेशन स्टॉपेज हो जाएगा, मसल्स की मूवमेंट कम हो जाएगी, तो उससे स्पाइनल कर्वेचर चेंज हो जाएगा, डॉर्सली कन्वेक्स, अब नॉर्मल पोजिशन ऑफ थोरेसिक बिसरा, रिटार्डेशन ऑफ लंग डिवेलपमेंट, स्पर और डेल्टा रिज ऑफ ह्यूमरस इट विल बी फैक्टर्ड। सो हेयर लेटर ऑन रिटार्डेशन लंग डिवेलपमेंट इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, स्लो सफोकेशन, कंपनसेटरी इंक्रीज आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाएगा, नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो जाएंगे, जर्नल अरेस्ट ऑफ डिवेलपमेंट। तो उसके बाद क्या होगा, स्लो सफोकेशन से कोमा एक्सपोजर एक्सोजन हो सकता है, इंक्रीज रेजिस्टेंस इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट बढ़ जाएगा, इससे डी कंपनसेशन, कैपलरी पल्मोनरी हीमोहैरिज हो जाता है, ब्लंट स्नॉट बन जाएगा, फकल्टी ऑकुलेशन ऑफ इंसीजर, इनएबिलिटी टू सक द मिल्क, मिल्क सक नहीं कर पाएगा वो जो जंगवन होगा, डिफ़िकल्टी इन फीडिंग आएगी इससे और स्टारवेशन आ जाएगी, कैपलरी हीमोहैरिज हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। तो दीज आर द पैलियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑफ द माल फॉर्मेशंस। सो नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट टेराटोलॉजी। एनवायरमेंट में ड्यू टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में जहाँ जर्मल मिलेसिस रेबुला, रेबुला का दिया है, तो यहाँ पे डिजीज आती है मदर से ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, अपेयर टू कैरी द 50% रिस्क इन प्रोड्यूसिंग द कॉन्जेनिटल अबनॉर्मिलिटी, सेकेंड मंथ में 20% रह सकता 25% रह जाता है, एंड ड्यूरिंग द थर्ड सेमेस्टर ट्राइमेस्टर थर्ड मंथ ये आपका 7% रह जाता है। तो वायरस टेंड टू अफेक्ट द डिवेलपिंग आई हार्ट एंड पैलेट। तो यहाँ
प्रेगनेंसी का कितना गेस्टेशन पीरियड चल रहा है उससे इफेक्ट इफेक्ट होना चेंज हो जाता है, और इससे हार्ट डिजीज आ जाती है, डेफनेस आ जाती है एंड हैव बिकम नॉन टू रेबुलर्ड सिंड्रोम बन जाती है। नेक्स्ट इज द साइटोमेगेलो वायरस। साइटोमेगेलो वायरस डेट इज द CMV वायरस। इन्फेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक रेबुला, पासिस थ्रू प्लेसेंटा, मदर के प्लेसेंटा से फीटस में जाता है। उसकी 0.5 रेशियो है न्यू बॉर्न बेबी में, 10% साइन शो होते हैं। सो इट मे कॉज द डेफनेस, मेंटल रिटार्डेशन, एपिलेप्सी, लेबर डिजीज एंड सेरेब्रल पैलसी। सो और ए वेरिएबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजीज, अगर टेराटोजेनेसिस ऑर्गेनिज्म जो इसमें है उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस एंड सिप्लिस सिप्लिस भी आ जाता है मदर से। नेक्स्ट द टेराटोजेनेसिस इन द ड्रग। अब जो मदर मेडिसिन लेती है, दवाइयाँ खाती है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो फीटस में काफ़ी पुरानी ड्रग्स थी सेडवेटिव, जैसे थैलेडोमाइड एंड मेक्लाजाइन। थैलेडोमाइड एक माइल्ड सेडेटिव ट्रांसकुलाइजर, इसको डॉक्टर देते थे स्टार्टिंग में यूरोपियन कंट्री में 1950-61। जर्मन में लैंड साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था। इसका कनेक्शन है इंक्रीज ऑफ रैंक ह्यूमन कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी, लिम्ब का, हड्डियों का बनना, हाथ पैर बनना इफेक्ट करता है, लिम्ब नहीं बनते, एमेलिया और फोकोमेलिया, तो इस ड्रग का डायरेक्ट इफेक्ट है। सो डेली इनटेक थैलेडोमाइड फॉर 1 वीक ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी वाज सफिशियंट टू रिड्यूस द लिम्ब डिफेक्ट। तो एक फर्स्ट वीक तक, अगर फर्स्ट मंथ में पूरा वीक लेगी तो उससे डिफॉर्मिटी आनी आनी, तो बाद में इसको बैन कर दिया गया था। सो इट माइट थॉट एट द एंटी माइटोटिक ड्रग यूज इन द कैंसर थेरेपी वुड बी स्पेशली हार्मफुल टू रैपिड ड्यूरिंग द एम्ब्रियो। तो किसी अगर मदर को कैंसर चल रहा है तो ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो भी बच्चे को अफेक्ट करता है। ओनली द माइनोपैक्ट्रीन फॉलिक एसिड एंटागोनिस्टिक वाज प्रूव टू बी टेराटोजेनिक इन मैन। सो इन दिस केमिकल हैज़ बीन यूज टू ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द अबॉर्शन। सो ये अबॉर्शन के लिए यूज़ कर देते हैं इनको। सो वेन इट फेल टू ड्यूज अबॉर्शन द स्प्रिंग लाइक लू शो द मल्टीपल फार्मोटी। सो यहाँ माइनोपैक्टिन है, इसको देते हैं, इससे अबॉर्ट हो जाता है बच्चा। तो कई बार अबॉर्ट नहीं होता तो यहाँ मल्टीपल डिफॉर्मिटी होगी बच्चे में। तो यहाँ ड्रग्स और भी हैं, क्विनीन है, मलेरिया में देते हैं, बीसोफैन ल्यूकीमिया में देते हैं, क्लोरो कॉम्बुसिन हॉटकिंग डिजीज में देते हैं, जिसके भी टेराटोजेनेसिस इफेक्ट हैं। नन ऑफ द हार्मोन हैव बीन इन्फेक्टेड टेराटोजेनेसिस, तो इतना नहीं है, बट माइस एंड रैबिट में कॉर्टिसोन का क्लेफ्ट फैलेट इंड्यूस कर देता है। एंटीबायोटिक जो देते हैं, कोई फ्लू हो जाता है, वायरल हो जाता है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, एनामोली कर दे। तो यहाँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एनिमल इनेमल डेवलपमेंट, बच्चे के जब दांत बनते हैं, टीथ इनेमल बनता है, तो दे में प्रोड्यूस जेलो डिसीडियस टीथ बच्चे के बन जाते हैं। एल्फिटिक मदर्स टेक द एंटी कॉन्वलेंट ड्रग सच द फेनिटॉक्सिन बारब्यूटेर आर अबाउट द 3 टाइम लाइकली टू नॉर्मल मदर गिव बर्थ टू यूनिफॉर्म बेबी। अगर मदर को कोई कॉन्वलेशन की प्रॉब्लम है, उसे कोई स्ट्रेस है, तो ये सीधा उसको इफेक्ट करेगी। एन साम के सच द हार्मलेस ड्रग सच द कैफीन एस्परिन, इसके भी टेराटोजेनेसिस स्लो इफेक्ट हैं। लेसजेरिकिस एसिड LSD, ये काफ़ी ख़तरनाक ड्रग है, ये भी शो करती है बट इसका अभी प्रूव नहीं हुआ। तो ये फीट डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट वी हैव द रेडिएशन। रेडिएशन रोटेंजेंट रेडिएशन जो है पेशेंट ट्रीटमेंट ट्यूमर पेल्विक ट्यूमर में यूज़ करते हैं, तो ये भी यहाँ ड्यूस करवाते हैं टेराटोजेनेसिस। तो हिरोशिमा नागासाकी का आपको इवेंट पता है, तो उसमें अभी तक भी टेराटोजेनेटिक इफेक्ट आ रहे हैं। टेराटोजेनेसिस ड्यू टू द ऑटोम्यूनाइजेशन, कई बार ऑटोम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, जैसे थायराइड ग्लैंड बनती नहीं, कई बार जैसे ए थायराइड क्रिटीन, एंटी थायराइड एंटीबायोटिक बन जाती है इसकी बॉडी में एंटीबॉडी, तो उसको बनने नहीं देती। सो द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑर्गन प्राइमोडिया में क्रॉस प्लेसेंटा प्रोड्यूस द मेटल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। तो कई बार प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाता है तो मदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है। टेराटोजेनेसिस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन, अब बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, मदर को नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बोन टीथ नहीं बनेगी, विटामिन के की है, क्लॉटिंग नहीं होगी, ABD है, काफ़ी टेराटोजेनिक इफेक्ट आएंगे, जैसे हेयर लिप, क्लेफ्ट पैलेट, स्पिना बाइफिडिया,
स्केलेटल डिफेक्ट, ब्रेन डिफेक्ट। सो यहाँ न्यूट्रिशन भी कर देता है। सेंसिटिव पीरियड, अब टेराटोजेनेटिक इफेक्ट, किसी टेराटोजन का आना, इसका एक पीरियड होता है यूरिनरी हर टाइम पे, तो उसका टेराटोजेनिक पीरियड है, उस पीरियड में ये कंटिन्यू करवाएगा। जैसे एग्जांपल है ट्राइपन ब्लू, 20 mg इंट्रावीनस इंजेक्शन मदर को देंगे, एंड एक्टिनोमाइसिन डी 0.3 mg पर kg वेट मदर को। इसका जो इफेक्ट है 8th से लेके 9th डे ऑफ गेस्टेशन रैट में ये देखा गया है। बोथ केमिकल आर इन्फेक्टिव आफ्टर 10 डे, 10 दिन के बाद अगर इसको देंगे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। स्पेसिफिसिटी, पूरा स्पेसिफिक रोल होता है। टेराटोजेन कैन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट टेरा इफ अप्लाइड इन द राइट टाइम, देंगे तो राइट टाइम इसका इफेक्ट होगा। जैसे माइक्रोमेलिया है, फॉल में इम्बैलेंस डाइट कर देंगे, जैसे राइबोफ्लेविन, बायोटिन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा, तो ये करेगा। सिमिलर सिचुएशन केस ऑफ दैट टेट्रापेट्रा फॉर बींग ड्रोसोफिला। तो हो एवर टाइप ऑफ द माइक्रोमीलिया प्रोड्यूस फॉल बाय द डिफरेंट टेराटोजेन आर ओनली सुपरफिशियली सिंबल। तो ऐसे इंसुलिन कर देता है माइक्रोमीलिया, लॉन्ग बोन, लेग एंड शॉर्टन, वर देर लिटल और नो रिटार्डेशन इन टो। बोरिक एसिड करता है ट्रेटा इन द टो, एब्सेंट शॉर्ट एंड कर्ल्ड। तो अलग 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 इफेक्ट आते हैं। जैसे बोरिक एसिड कॉज द हाई इंसिडेंस कोलोबांस, वायल इंसुलिन कॉज मोर आई डिफेक्ट। तो अलग अलग इसका इफेक्ट है। सो टाइप ऑफ द मालफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय टेराटोजेन आल्सो डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट स्टेज, किस स्टेज पे है। इंसुलिन यॉर्क सैक कॉज अ रम्पलेस फॉल में, बट माइक्रोमीलिया एंड अबनॉर्मल बीक ओल्डर में। तो स्टार्टिंग में देंगे तो रम्पलेसनेस करेगा, बाद में देंगे तो ये बीक चेंज करेगा। अब इसकी डोज कितनी है, कितनी अमाउंट में जाएगा, तो ये भी इफेक्ट करता है। इसकी एक डोज की रेंज है, जैसे ट्रैपन ब्लू 50 mg इंजेक्टेड 0.8.5 डे प्रेगनेंट रैट 65% अफेक्ट करता है। सो वट विद एडवांसिंग एस्टेशन आउट ऑफ द 65% एम्ब्रियो, नंबर ऑफ डेड इंक्रीज, एक्सपेंसिव लाइव मालफॉर्म्ड। सो ट्रैपन ब्लू देयर फॉर टेराटोजेनिक बट नॉट टॉक्सिक केमिकल। सो ऑन द अदर 0.05 प्रोपेनिडाइओल 1-3 इंजेक्टेड इन टू द यॉर्क सैक 4 डे फॉल ऑफ द वाइट लेग्यून कॉज द मालफॉर्मेशन 5% एंड इंक्रीज डोज अगर इसकी कर देंगे इज नॉट मोर टेराटोजेनिक। तो उसकी एक पर्टिकुलर डोज है, उसकी आगे करेंगे या कम करेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंट्रैक्शन ऑफ टेराटोजेन विद द एनवायरनमेंट फैक्टर, एनवायरनमेंट फैक्टर का भी यहाँ रोल है। तो यहाँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाते हैं। इंसिडेंस बोथ द माइक्रोमीलिया एंड अब नॉर्मल वीक इन द इंसुलिन इंजेक्टेड इज सफिशेंटली इनहांस बाय क्लोरो प्रोमाजाइन इन नॉन टेराटोजेनिक है। तो इसमें अलग चीज़ जो है करवा रही है। तो और भी है, जैसे सल्फा सल्फिनामाइड, 6-अमाइनोनिक्टोनामाइड, ये भी टेराटोजेनिक बन सकती है। फिनोकॉपी एन एनवायरमेंटल टेराटोजेन कैन कॉज द नॉर्मल जीनोटाइप टू प्रोड्यूस फिनोटाइप रिजेम्बलिंग ऑलरेडी नॉन म्यूटेंट, इसको कहते हैं फिनोकॉपी। तो जो टेराटोजेन बना है, टेराटोजेनिक इफेक्ट बना है, तो आगे से वही चलेगा अगर उसकी आगे प्रोग्रेस नहीं चले तो। तो मैकेनिज्म इसका काफ़ी बेसिक्स है। तो उसमें जीन जो बनेंगे अब नॉर्मल होंगे, जीन पे इफेक्ट होगा। तो जीन अगर इसके इफेक्टेड होंगे कोई भी, तो अब नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे, अब नॉर्मल टाइप का एनवायरनमेंट रेगुलेट करेंगे। तो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन ऑफ द टेराटोजेनेसिस। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू वेरी मच।